हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू हो चुकी है। आज है 5 जुलाई 2021। सभी जो आपके सर्कल है उन्होंने अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट जारी कर दी है। 13 सर्कल है, 13 सर्कल ने अपनी एडवर्टीजमेंट जारी कर दी है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से सर्कल के अंदर कितनी वैकेंसी आई हुई है। आपका जो भी सर्कल है आप देखिएगा वहाँ पे कितनी वैकेंसी है। जनरल की जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वहाँ की वैकेंसी देख लीजिएगा और सिर्फ अपने ही सर्कल में भरिएगा। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है जिस भी सर्कल की है सबने यही कहा है लास्ट में कि उम्मीदवारों से यही निवेदन है कि वो अपने जो नज़दीकी सर्कल होगा वहाँ पर जो है फॉर्म भरें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल का आपको भरना है। ये नहीं कि आप मंडी का भी भर रहे हो, चंबा का भी भर रहे हो, दो तीन का भर रहे हो तो रद्द हो जाएंगे सारे। सिर्फ एक फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पर बात करें तो ये जो आपको वैकेंसी दिख रही है ये है धर्मशाला सर्कल की, ये है आपकी धर्मशाला सर्कल की। यहाँ पे जनरल की बात करें, जनरल अनरिजर्व की 16 वैकेंसी है, गृह रक्षक की 5 है, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे यानी कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट है यहाँ पे, एक्स सर्विस मैन की 5 पोस्टें हैं, खिलाड़ियों की 1 पोस्ट है यहाँ पे, स्पोर्ट्स पर्सन की IADP में कोई पोस्ट नहीं है। तो जनरल की जो टोटल पोस्टें हैं 28 आपकी जो है क्या कहते हैं इसे धर्मशाला के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS की पोस्टें हैं टोटल नंबर ऑफ 5। SC की बात करें, SC की जो है 8 पोस्टें हैं धर्मशाला के अंदर, SC अनरिजर्व में 8 पोस्टें हैं, SC गृह रक्षक की 2 पोस्टें हैं, SC भूतपूर्व की जो है 1 पोस्ट है, SC IRDP में भी 1 पोस्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें OBC अनरिजर्व की 7 पोस्टें हैं, OBC गृह रक्षक की 1 पोस्ट है, OBC एक्स सर्विसमैन की भी 1 पोस्ट है, OBC IRDP की भी 1 पोस्ट है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट धर्मशाला के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं हम, चंबा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जनरल की बात करें, जनरल अनरिजर्व में जो है 7 पोस्टें हैं, जनरल एक्स सर्विस मैन की भी 1 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जनरल की 8। SC की बात करें, शेड्यूल कास्ट की जो यहाँ पे 3 पोस्टें हैं, SC अनरिजर्व की 3 पोस्टें हैं और कोई भी पोस्ट नहीं है। वहीं पर अगर हम ST की बात करें तो ST की जो है यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। OBC की बात करें, OBC अनरिजर्व में 3 पोस्टें हैं और EWS की जो है 1 पोस्ट है चंबा जो आपका सर्कल है। कुल्लू की बात करें, कुल्लू में जो है SC की बात जनरल की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरल की जो है 9 पोस्टें हैं, जनरल अनरिजर्व में, जनरल एक्स सर्विसमैन की 2 है, जनरल स्पोर्ट्स पर्सन की 1 है, जनरल होम गार्ड की 3 पोस्टें हैं, टोटल नंबर ऑफ जनरल की है 15। SC की जो है पोस्टें कुल्लू के अंदर वो है 3। ये जो हम बात कर रहे हैं ये है आपका कुल्लू फॉरेस्ट सर्कल। SC की यहाँ पर कितनी है, 3 पोस्टें हैं, SC एक्स सर्विसमैन की 1 है, SC गृह रक्षक की 1 है, SC BPL की 1 है। ST की बात करें, ST की 1 है, ST अनरिजर्व्ड। और वहीं पे बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC अनरिजर्व्ड की जो है आपके यहाँ 4 पोस्टें हैं, OBC एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है कुल्लू सर्कल के अंदर, EWS की जो है 3 पोस्टें हैं कुल्लू सर्कल के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, नेक्स्ट है आपका नाहन सर्कल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है आपका नाहन सर्कल। नाहन सर्कल की पोस्टें हैं, नाहन सर्कल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल की देखिएगा, जनरल की कोई भी पोस्ट नहीं है, जनरल अनरिजर्व में कोई भी पोस्ट नहीं है नाहन सर्कल के अंदर। एक्स सर्विसमैन की है 1 पोस्ट और 1 है आपकी वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन की। वहीं के अगर हम बात करें एससी अनरिजर्व में 1 पोस्ट है, SC एक्स सर्विसमैन की 3 पोस्टें हैं, SC IRDP में 3 पोस्टें हैं और SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट है। ये आपका नाहन सर्कल है। अन्य पिछड़ी जाति OBC की भी कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, OBC के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है। ST की बात करें, ST अनरिजर्व में कोई पोस्ट नहीं है, SC एक्स सर्विसमैन में 2 पोस्टें हैं और SC होम गार्ड में जो है ST होम गार्ड में 1 पोस्ट है। EWS की भी कोई पोस्ट नहीं है नाहन सर्कल के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये आपका सोलन सर्कल, सोलन सर्कल फॉरेस्ट सर्कल सोलन। सोलन में जो है जनरल अनरिजर्व की 9 पोस्टें हैं, वहीं पे जो है जनरल होम गार्ड की 1 पोस्ट है, बाकी जनरल स्पोर्ट्स पर्सन की 1 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जनरल की 11। ये सोलन की बात कर रहा हूँ। सोलन में ST की जो है ST में 0 पोस्टें हैं, ST अनरिजर्व में, ST होम जो आपका एक्स सर्विसमैन है उसकी है, ST IRDP में है 1 पोस्ट। SC की बात, OBC की बात करें, OBC अनरिजर्व में 2 पोस्टें हैं, OBC एक्स सर्विसमैन की भी 2 पोस्टें हैं, OBC IRDP में 1 पोस्ट है, गृह रक्षक में 2 पोस्टें हैं OBC की। ST की बात करें, ST की कोई पोस्ट नहीं है डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर, OBC की एक EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1 पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट सोलन के अंदर। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, ये है आपका वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, ठीक है, वन्य प्राणी धर्मशाला, वाइल्ड लाइफ सर्कल धर्मशाला है ये। पहले हम सिंपल धर्मशाला फॉरेस्ट सर्कल की बात कर रहे थे, ये वाइल्ड लाइफ सर्कल है धर्मशाला का। तो इसमें जो है अनरिजर्व जनरल की कोई पोस्ट नहीं है, होम गार्ड की, जनरल एक्स सर्विसमैन की है 2 पोस्टें, SC में कोई पोस्ट नहीं है, SC एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ 3 पोस्टें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये है आपका वाइल्ड लाइफ शिमला।
ये है आपका शिमला, शिमला का मैं पहले भी करा चुका हूँ जो प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे जनरल की जो है दो पोस्टें हैं, ये है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ सर्कल शिमला, वाइल्ड लाइफ सर्कल जो है शिमला में है ये। जनरल अनरिजर्व की दो पोस्टें हैं, जनरल एक्स सर्विसमैन की दो पोस्टें हैं, जनरल स्पोर्ट्स पर्सन की एक पोस्ट है, एससी की, एससी अनरिजर्व में एक पोस्ट है, एससी एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट है, एससी फ्रीडम फाइटर की एक पोस्ट है, और एससी बीपीएल में जो है एक पोस्ट है वाइल्ड लाइफ शिमला के अंदर। एसटी की एक पोस्ट है और ओबीसी की दो पोस्टें हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है दो पोस्टें हैं शिमला वाइल्ड लाइफ के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, इसके तहत आता है आपका वाइल्ड लाइफ जो पार्क है असमजी के अंदर। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, पांच पोस्टें हैं ये, किस तरीके से है, पांच और पांच 10 पोस्टें हैं टोटल। जनरल की बात करें, जनरल अनरिजर्व में दो पोस्टें हैं, ये आपका वाइल्ड लाइफ पार्क है जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है उसके तहत एक शमशी वनवृत्त पड़ता है उसमें। जनरल अनरिजर्व की दो पोस्टें हैं, जनरल एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे तीन। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी अनरिजर्व में एक पोस्ट है, एसटी की बात करें, एससी की बात करें, एससी अनरिजर्व में एक पोस्ट है यहाँ पे सिर्फ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये है आपकी हिमाचल प्रदेश जो आपका स्टेट कॉरपोरेशन है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वन रक्षकों की अनुबंध भर्ती के बारे में। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ 75 पोस्टें आई है, यहाँ पे ऑल हिमाचल से आप अप्लाई कर सकते हो, याद रखिएगा यहाँ पे आप ऑल हिमाचल से अप्लाई कर सकते हो। अभी क्या था, जैसे फॉरेस्ट सर्कल है वहाँ पे सिर्फ सोलन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कर तो अदर भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो भी आपका नज़दीक का फॉरेस्ट सर्कल होगा सिर्फ वहीं पे अप्लाई कीजिएगा। लेकिन जो ये है आपका फॉरेस्ट सर्कल, तो इसका मैं बता दूँ जो आपका फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है यहाँ पे 311 पोस्टें तो अलग से भरी जाएंगी, उसके अलावा जो है 75 पोस्टें यहाँ पर भरी जाएंगी। इसके लिए आप ऑल हिमाचल से जो है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसकी जो मेरिट बनेगी वो राज्य स्तर पे बनेगी, ठीक है, पूरी की पूरी जो है स्टेट लेवल पे इसकी मेरिट बनेगी, और ये पोस्टें जो है ये स्टेट लेवल की है। यहाँ पे मैं इनकी जो है आपको बता देता हूँ पढ़ के, जो लास्ट नोटिफिकेशन है इसकी पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम में जो वन रक्षकों के पद भरे जाने हैं वह राज्य स्तरीय पद है, ठीक है, स्टेट लेवल पे है, तथा इसकी भर्ती भी राज्य स्तर पर ही होगी। तो इसकी जो भर्ती होगी वो राज्य स्तर पर ही होगी। राज्य वन विकास निगम के समस्त निदेशक इस भर्ती प्रक्रिया का भाग है। इसकी विशिष्टता सूची भी राज्य स्तर पर ही होगी, यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी राज्य स्तर पर ही बनेगी, स्टेट लेवल पर ही बनेगी, ठीक है। तो देखिएगा यहीं पर जो है 13 नंबर पॉइंट, भर्ती की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में हो रही है, अतः निवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने नज़दीकी संबंधित निदेशक तथा केवल एक ही निदेशक कार्यालय में ही आवेदन करें। कृपया नोट करें कि एक से अधिक निदेशक कार्यालय में किया गया आवेदन रद्द माना जाएगा। तो एक से ज़्यादा अगर आप सर्कल में जो है अप्लाई करते हो तो रद्द हो जाएगा, ठीक है, सर्कल के अलावा। ये निदेशक है आपका, तीन निदेशक हमारे पास, मंडी, धर्मशाला और शिमला, ठीक है, तीनों की मिला के जो है भर्ती है ये। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई है कितनी, 75। यहाँ ऑल हिमाचल अप्लाई कर सकते हैं। जनरल अनरिजर्व की बात करें, जनरल अनरिजर्व में 23 पोस्टें हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिएगा यहाँ पे जनरल अनरिजर्व की बात करें 23 पोस्टें हैं, जनरल होमगार्ड की चार पोस्टें हैं, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक की छः पोस्टें हैं, स्पोर्ट्स पर्सन की दो पोस्टें हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 36 जनरल के लिए। एससी की बात करें, एससी की टोटल नंबर ऑफ, एससी अनरिजर्व में 10 पोस्टें हैं, एससी गृह रक्षक की दो पोस्टें हैं, एससी भूतपूर्व सैनिक में दो पोस्टें हैं, एससी बीपीएल अंत्योदय में दो पोस्टें हैं। ओबीसी की बात करें, ओबीसी अनरिजर्व की जो है आठ पोस्टें हैं, ओबीसी होमगार्ड की एक पोस्ट है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की दो पोस्टें हैं, ओबीसी बीपीएल आईआरडीपी में दो पोस्टें हैं। एसटी की बात करें, एसटी की दो पोस्टें हैं कॉरपोरेशन के अंदर, एसटी एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट है। वहीं पर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो है छः पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस में ही एक पोस्ट है आपकी गृह रक्षक के लिए। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 75 है, ये आपकी 311 पोस्टें जो है उसके अलावा है जो कि भरी जाएंगी ऑल ओवर हिमाचल में, ठीक है। इसकी मेरिट हिमाचल पे बनेगी, जैसे अदर सेंटर है ना, जैसे सोलन हो गया, शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, उनकी जो मेरिट बनती है वो आपके सर्कल वाइज बनती है। जैसे सोलन की मेरिट है तो वहीं के जो है सर्कल है वहीं से मेरिट बनेगी, लेकिन जो 75 पोस्टें हैं इनकी मेरिट ऑल ओवर हिमाचल से बनेगी, क्योंकि हिमाचल से इसके लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा,
ये है आपका फॉरेस्ट सर्कल बिलासपुर, ठीक है। इनकी मैं वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन मैंने इसमें भी ऐड अप कर दिया ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी जो है नोटिफिकेशन मिल जाए पूरे हिमाचल की कितनी वैकेंसीज है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। देखिएगा, ये है आपका फॉरेस्ट सर्कल बिलासपुर जो अभी आप देख रहे हो सामने, ये है फॉरेस्ट सर्कल बिलासपुर। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 30 है। जनरल की बात करें 10 पोस्टें हैं जनरल अनरिजर्व में, जनरल एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्टें हैं, जनरल होम गार्ड की 3 पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 15 जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्टें हैं यहाँ पे बिलासपुर के अंदर। एससी की बात करें, एससी अनरिजर्व में जो है 4 पोस्टें हैं, एससी एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है, एससी आईआरडीपी में 1 पोस्ट है, एसटी में 1 पोस्ट है, और ओबीसी अनरिजर्व की 3 पोस्टें हैं बिलासपुर के अंदर। ओबीसी गृह रक्षक की 1 पोस्ट है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की भी 1 पोस्ट है बिलासपुर के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमीरपुर के अंदर। ये आप फॉरेस्ट सर्कल देख रहे हो, ये है हमीरपुर। यहाँ पे जनरल की पोस्टें हैं 8, जनरल अनरिजर्व की 8 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की जो है 4 पोस्टें हैं, जनरल एक्स सर्विसमैन की जो है 3 पोस्टें हैं, स्पोर्ट्स पर्सन में भी 1 है, फ्रीडम फाइटर में भी 1 है, होमगार्ड में 3 पोस्टें हैं जनरल की। एससी की जो है एससी अनरिजर्व हमीरपुर के अंदर 6 पोस्टें हैं, एससी आईआरडीपी में 1 पोस्ट है, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट है, एससी होम गार्ड की जो है 1 पोस्ट है। देखिएगा यहाँ पे एसटी की जो है एसटी की एक्स सर्विसमैन में है 1 पोस्ट, ओबीसी अनरिजर्व की 3 पोस्टें हैं, ओबीसी आईआरडीपी में 1 पोस्ट है, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की भी 1 पोस्ट है, ओबीसी होम गार्ड में 2 पोस्टें हैं। ये आपका फॉरेस्ट सर्कल है हमीरपुर, हमीरपुर की हमने बात करी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मंडी की तरफ। ये आपका मंडी, मंडी में अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 38 पोस्टें हैं टोटल। जनरल अनरिजर्व की 8 पोस्टें हैं, जनरल एक्स सर्विसमैन की 2, जनरल होमगार्ड की 3 पोस्टें हैं, जनरल आईआरडीपी या ईडब्ल्यूएस अगर हम इसको मान के चलें, ठीक है, तो इसकी जो है 4 पोस्टें हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जनरल की 17। एससी की बात करें, एससी की 4 पोस्टें हैं आपकी, ये आपका मंडी सर्कल है। एससी अनरिजर्व की 4 पोस्टें हैं, एससी भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्टें हैं, एससी गृह रक्षक की जो है 2 पोस्टें हैं, और ईडब्ल्यूएस आईआरडीपी एससी जो है इसकी 2 पोस्टें हैं। एसटी की बात करें, एसटी की 1 पोस्ट है एसटी अनरिजर्व्ड में, और एसटी गृह रक्षक की 1 पोस्ट है। ओबीसी अनरिजर्व्ड की 2 पोस्टें हैं हमीरपुर के अंदर, ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्टें हैं, ओबीसी होम गार्ड की भी 2 पोस्टें हैं, ओबीसी आईआरडीपी में 1 पोस्ट है, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में भी 1 पोस्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये है आपका फॉरेस्ट सर्कल नाहन। नाहन फॉरेस्ट सर्कल में जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 23। वहीं पर अगर हम बात करें इसमें तो एस ई की बात, सबसे पहले जनरल की बात करें, जनरल अनरिजर्व की जो है 8 पोस्टें हैं नाहन आपका रामपुर फॉरेस्ट सर्कल में। भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्टें हैं, एक्स सर्विसमैन जनरल की 2 पोस्टें हैं। एक्स सर्विसमैन के बाद आता है आपका खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन, जनरल में 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर कितनी, 13, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो है रामपुर फॉरेस्ट सर्कल में 2 पोस्टें हैं। एसटी की बात करें, एसटी की 1 पोस्ट है अनरिजर्व के अंदर, एसटी अनरिजर्व 1 पोस्ट है रामपुर के अंदर। एससी की बात करें, एससी अनरिजर्व की जो है 3 पोस्टें हैं, एससी एक्स सर्विसमैन की 1 है, एससी आईआरडीपी की भी 1 पोस्ट है रामपुर सर्कल के अंदर। ओबीसी अनरिजर्व की जो है 2 पोस्टें हैं, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 पोस्ट है, ओबीसी आईआरडीपी की 1 पोस्ट है रामपुर के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं शिमला की तरफ। शिमला जो फ्रेश सर्कल है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो है वैकेंसी निकली है गार्ड की वो है 24। यहाँ पे जनरल अनरिजर्व की 4 पोस्टें हैं, जनरल एक्स सर्विसमैन की 3 है, स्पोर्ट्स पर्सन की 1 है, और होम गार्ड की भी 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 9 जनरल के लिए। एससी अनरिजर्व की 4 पोस्टें हैं, एससी आईआरडीपी की 1 पोस्ट है शिमला फॉरेस्ट सर्कल के अंदर, एसटी की 1 पोस्ट है और एसटी आईआरडीपी की भी 1 पोस्ट है। ओबीसी अनरिजर्व में 3 पोस्टें हैं, और चिल्ड्रन जो भी आपके वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है वहाँ पे 1 पोस्ट है ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की जो है 3 पोस्टें हैं फॉरेस्ट सर्कल शिमला के अंदर। तो ये 311 जो पोस्टें हैं उनका ब्यौरा था, कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, जो भी आपका पास का फ्रेश सर्कल है वहाँ पे भरिएगा। अभी 6 तारीख कल से जो है इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से फॉर्म भरना है, कोई भी उसमें मिस्टेक ना करें, ठीक है, तो उसके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म भरना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर अच्छी लगी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश की, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।